महिला एवं बाल विकास विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से देखरेख व संरक्षण की स्थितियों में प्राप्त बच्चों हेतु गैर संस्थागत देखभाल पर मंडल स्तरीय एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल अजय कांत सैनी तथा विशेष अतिथि के रूप में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के चीफ रूथ लियानो शामिल हुई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गैर संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देने, बाल संरक्षण को सुदृढ़ करना तथा बाल देखरेख संस्थाओं में न्यूनतम मापदंड सुनिश्चित करना है। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि बच्चे देश की धरोहर हैं, जिन पर आने वाले कल व समाज का भविष्य निर्भर करता है। कई बार उचित देखरेख व संरक्षण के अभाव में किशोर बच्चे विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं। देश की कुल जनसंख्या में 39% संख्या बाल किशोरियों की है। बच्चों की देखरेख व संरक्षण एवं उसका भविष्य सुरक्षित रखने में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं में ध्यानपूर्वक प्रतिभाग करते हुए इनमें प्राप्त जानकारियों को मंडल व जनपद स्तर पर लागू करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। कार्यशाला में गोरखपुर मंडल के उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दिलीप कुमार, यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के बाल संरक्षण विशेषज्ञ आफ्ताब मोहम्मद, राज्य सलाहकार महिला एवं बाल विकास विभाग महदिया रिजवी व नीरज मिश्रा, मंडल तकनीकी रिसोर्सेस पर्सन यूनिसेफ हिमांशु चौधरी व अदिति मुंशी, जिला प्रमोशन अधिकारी गोरखपुर सर्वजीत सिंह, महिला कल्याण अधिकारी सुमन शुक्ला सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए अपर आयुक्त अजय कांत सैनी व हिमांशु चौधरी ने कहा, माता पिता नहीं है और कुछ रोगी एक पीड़ित और जो घर से बाहर खाते बुलाए बच्चे जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है या फिर दोनों नहीं है और विशेष जैसे जो मेरा नाम हिमांशु कुमार चौधरी है। मैं यहाँ पे यूनिसेफ के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, जो प्रोजेक्ट यूनिसेफ और लखनऊ की यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। कि पिछले कुछ सालों से गोरखपुर में कई चीज़ें हो रही हैं बच्चों की देखरेख और बच्चों की सुरक्षा को लेते हुए, तो इसी के क्रम में ये आज एक कार्यशाला रखी गई है मंडली स्तर पे, जिसमें गोरखपुर मंडल के चारों जनपदों के सारे अधिकारी और सारे उन होम्स से लोग आए हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो सरकार द्वारा संचालित हो या गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित है। तो हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे है कि बच्चे किसी संस्थाओं में ना जाएं, वो हमारा आखिरी विकल्प के रूप में हो। पहले बच्चे को कोशिश करें कि ऐसे बच्चों को उनके माता पिता से जोड़ें, माता पिता ना हो तो उनके घर में उनके और जो देख ऐसे लोगों के साथ रखें जिनको एक पारिवारिक माहौल मिल जाए। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर अगर किसी संस्थाओं में बच्चे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे संस्थाओं के भी सारे स्टाफ आए हैं जो बच्चों के साथ सबसे अधिक से अधिक समय बिताते हैं, हमने उन लोगों को बुलाने की कोशिश की है, तो उनको हम ये समझा पाएँ कि बच्चों के साथ आपको किस तरह से व्यवहार करना है और किस तरह से बच्चों को उन संस्थाओं के अंदर एक पारिवारिक माहौल दे सके, उस पर हम इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हमारे मंडल गोरखपुर में चारों जनपदों के जो प्रोबेशन अधिकारी से लेके जितने भी इंस्टीट्यूट टाइप के हैं लोग हैं, उन लोगों के लोगों को जानकारी देने के लिए, खासकर वर्कशॉप का उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों का शिक्षा, जीवन यापन, उनका खान पान की व्यवस्था के संबंध में एक वर्कशॉप इसलिए की जा रही है जिससे ये जो बहुत सारे एक्ट और इस तरह शासनादेश में जो हमारे सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं का
एक बार मतलब लोगों की जानकारी दी जाए, जागरूक हो जाए और पुनः जो है अपनी चीज़ों की बारे में रिवाइज कर लें।